Hi everyone, चलो आज सुबह हो गई है and guess what? Who's coming with me? My best friend Yana. Hi guys. We're so excited and मुझे पता सब लोगों ने comment sections में पूछा था and there everybody was trying to guess like you know who's coming with us on the trip and it's actually my best friend. Yeah, I'm so excited. We're so excited. Literally, it's our first trip. And I remember in 9th class when we like, you know, planned. We were like, you know, we're gonna plan and we're just gonna have a good trip together someday. But then it's finally that day. Finally. हाँ, and her friends are here to drop her. खाली आते हैं चलते हम लोग. पता नहीं मेरे को आता है बस ही पड़ी. मैं खाली आता हूँ. हाँ, तूने तू कुछ बोल भी ऐसे चुप क्यों खड़ी है? मैं क्या बोलूँ? मैं बोल तो हर फ्रेंड्स केम टू ड्रॉप हर एंड यहाँ पे सब लोग चाय पी रहे हैं. सामान तो पकड़ूंगी बेटा कशिश, मास्क लगाऊं पहले. मुझे छोड़ के जा रहे हो? तो सामान थोड़ा ज़्यादा हो रहा था तो प्रशांत अभी नीचे सामान रखने के लिए गए गाड़ी में और मैं यहाँ पर बाकी की चीज़ें भी देख लेती हूँ. किचन वगैरह सब सेट है. भगवान जी को हाथ जोड़ने हैं. जब भी हम कभी किसी भी ट्रिप पे जाते हैं उससे पहले भगवान जी को ज़रूर हाथ जोड़कर जाते हैं. तो बस और बाकी मैंने आज ये वाला आउटफिट पहना है. ये धोती स्टाइल आउटफिट है. कशिश से बोलूँगी वो आप लोगों को दिखा देगी. बॉक्स रेडी कर लिया जिसमें सारा खाने का सामान है. यहाँ पर पूरियाँ भी बना कर रखी हैं. ये है आलू की सब्जी, थोड़ा बहुत पिकल वगैरह रखा हुआ है तो इसीलिए मैंने इसे ना उसमें पॉलिथिन में रैप कर दिया है कहीं बाहर ना निकले कुछ भी ऑयली स्टफ. तो हमारी ट्रिप जैसे तैसे स्टार्ट हो गई. सुबह सोचा था कि हम लोग निकलेंगे 7 बजे लेकिन हम लोगों को बच गए 8:30. निकलते निकलते 8:30 तो हो ही गए थे ना हम लोगों को. और ये देखिए पीछे कितना मजा कर रहे हैं दोनों क्योंकि गाने गा रहे हो. सुना दो सबको गाने. क्या हमें गाने पहले तुम लोग सुना फिर मैं सुनाऊंगा. कशिश बहुत खुश है तो यही था सरप्राइज. कशिश को मिल गई उसकी फ्रेंड और दोनों की एक ट्रिप भी प्लान हो गई साथ में क्योंकि दोनों अलग अलग उसमें जाने वाले हैं. कॉलेजेस में. हाँ तो अलग अलग हो जाएंगे तो हम लोग मिलते रहेंगे. हाँ. और आगे भी ट्रिप्स प्लान करते रहना ऐसे. हाँ. हम लोग कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ करेंगे. हाँ बिल्कुल बनेंगे. ह्यूमिड और बहुत बारिश सी हो रही स्प्रिंकल जैसी. देखो गाड़ी कितनी गंदी हो गई. अरे वो गिरा दिया. पूरी गाड़ी गंदी हो गई. तभी हम लोग बर्गर किंग पे रुके हैं. ये लोग वहाँ पे कुछ कुछ ट्राई कर रहे हैं. छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं और अभी हमें मिल रही है अपनी पसंदीदा कॉफी. तो हम लोगों ने लिया है हॉट कॉफी और बच्चों ने लिया है पेप्सी और फ्राइज. अच्छा पेप्सी है ये. ओके बर्गर खाऊं? नहीं छोटू सा बर्गर लिया. तो ये चलो 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 बच्चों चलो सब बैठ जाओ. बारिश में क्या गंदी हुई है गाड़ी यार. बाहर से तो तुझे देखा ऐसे भी गा रहे हैं सुबह स्कूल वाले तक टीचर ने बोला है बच्चों गाना गा के सुनाओ. हम ऐसे गा रहे हैं तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम. ऐसे जगह से चले आ रहे हैं.
लोग खा रहे हैं पूरी और आलू, मम्मी सर्व कर रही है, मम्मी को थोड़ा टाइम लग रहा है, हमारे पूरा बॉक्स ले लिया है। अभी भी बहुत तेज काफी बारिश हो रही है। ये क्या है? रसगुल्ला? नहीं वो नींबू है डैडी, रसगुल्ला नहीं है। आप लोगों की फरमाइश। ओह वाह, मम्मी मिर्च का अचार भी दे दो और लौंजी भी दे दो थोड़ी। याना को पता नहीं है कैसा टेस्ट है आपकी अच्छी सी लौंजी का। मैंने तो आज तक सुना कि नहीं लौंजी क्या होता है। बहुत टेस्टी होता है जो भी होता है। नींबू का अचार है ना याना? कुछ तुम तो बिलीव क्यों कर लेती है? मतलब डैडी कुछ भी बोलते हैं तू बिलीव कर लेती है, ऐसे थोड़ी कुछ बनाने आता हो तो बनाएंगे। डैडी जस्ट गॉट रोस्टेड। बातें बताता हूं मैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारी पिकनिक। यहाँ पे हमने टेबल क्लॉथ बिछाया है बहुत प्यार से। यहाँ पे दो टाइप के अचार हैं, नींबू और मिर्च। यहाँ पे लौंजी है मम्मी की, आलू और पूरी। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही क्यूट सी टेबल है और यहाँ पे हम लंच कर रहे हैं। सैनिटाइजर प्लीज। ये हमारी गाड़ी है, ये हम हैं। यहाँ पे हम पार्टी चल रही है। लिखा हुआ है बीवेयर ऑफ मंकीज। फिर तुझे क्या याद आया? ओह माय गॉड, ये कितनी प्यारी लग रही है। हाँ पता है, पूरी टनल है। तो हम लोग यहीं पर आएंगे ब्रेकफास्ट करने, जिसकी खुशबू हमें बहुत तेज आ रही है। देखो ये है वो इधर है, जाओ चेक करो, अगर रूम सही लगे तो ले लेंगे, वरना फिर चेंज करवाएंगे। मैंने बोल दिया उनको। आ जाओ, व्यू देख लो, इसका व्यू, बाहर का भी व्यू चेक कर लेना कशिश एक बार, क्लीनिंग भी चेक कर लेना। That's nice. ठीक है तुम्हारे लिए? या कोई चेंज बालकनी तो नहीं है, बस विंडो है पिशान। तो ये हमारा कॉटेज है और हम लोग, मैं आपको रूम टूर देती हूँ। तो काफी हमारा अलग से एरिया है, ये पैटियो भी हमारी ही है। तो यहाँ पे हम लोग सुबह चाय पीएंगे। हाँ तीन चेयर हैं तो याना को बैठना पड़ेगा। नीचे अंदर से अंदर भी है ना दो चेयर। अच्छा अंदर भी रूम है हमारा। तो सबसे पहले एंटर करते ही बैठने का सोफा एरिया है, एंड फिर यहाँ पे है हमारा रूम, टीवी और बेड्स। इट्स अ नाइस रूम राइट? इट्स प्रीटी बिग, लाइक मोर देन नाइस, इट्स रियली बिग। एंड यहाँ पे बहुत अच्छी सीलिंग है, काइंड ऑफ लाइक एन ओल्डन टाइप लुक, कॉटेज टाइप लुक। एंड यहाँ पे बाहर वी हैव अ नाइस गार्डन काइंड ऑफ एरिया। फिर यहाँ पे इज द लाइक द क्लोजेट एंड द बाथरूम एरिया।
यहाँ पे मिरर है, हाय, और सामने ये हमारा बाथरूम है, काफी बड़ा बाथरूम है। तो ये पूरा एक बाथरूम एरिया है, यहाँ पे नहाने का सिस्टम है एंड इट लुक्स रियली नाइस, देयर इज एवरीवेयर लाइक देयर इज कर्टन्स एवरीवेयर। सो या एक और रूम देखने के लिए आए हैं, हो सकता है ये वाला ज़्यादा अच्छा हो और बेस्ट लगे तुम लोगों को दोनों को, ये वाला चाहे देख लो तुम लोग, चल खुल नहीं रहा। अच्छा चाबी, तो आप चाबी नहीं लाए? ये नया बना हुआ है कशिश, ये देखो यहाँ पर ये भी है, इसे खोल के बैठोगे तो बहुत अच्छा है। तो काफी बड़ा है ना कशिश ये वाला भी, एक इधर भी है, ये है तो नहीं, दो बेड नहीं है, वो तो ये बेडिंग कर देंगे, इधर बेडिंग करेंगे या फिर इधर करेंगे कहीं तो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग ये वाला रूम लें क्योंकि ये एकदम से नया बना हुआ है और क्लीन भी बहुत है और इसमें प्लेस बहुत मिल रही है हमें, स्पेस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, यहाँ पूरे में खाली है, बहुत अच्छा व्यू भी आ रहा है और सबसे बड़ी बात ये कमरा काफ़ी अच्छा है और ये सोफ़ा कम बेड भी है यहाँ पर, तो ये भी एक बेड की तरह यूज़ हो सकता है और यहाँ पर भी एक बेड है और व्यू इसमें इसलिए अच्छा है क्योंकि चारों तरफ ना विंडो हैं, सिटिंग एरिया भी है और ये है क्या कहते हैं ड्रेसिंग रूम जहाँ से बाहर का व्यू मिलेगा और ये है वॉशरूम। हेलो, तो ये है वॉशरूम। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक ये तो बताया नहीं कि हम लोग कहाँ आए हैं, हम लोग आए हैं जिम कॉर्बेट रामनगर और इस रिज़ॉर्ट का नाम है टाइगर कैंप रिज़ॉर्ट। बहुत प्यारी ग्रीनरी है, वैसे भी आज पूरा टाइम बारिश हुई है तो मौसम बहुत ही अच्छा है बाहर, और यहाँ से आप देखोगे तो माउंटेन भी दिख रहे हैं उधर, तो अच्छा लगा मेरे को ये। ये लोग लेने गए हैं गाड़ी में से सामान, गाड़ी में सामान पड़ा हुआ था बस वही लेने के लिए ये लोग गए हुए हैं, बस फटाफट से लेकर आ जाएंगे। और पहले हम लोगों ने वो वाला रूम भी देखा था जो आपको इससे पहले दिखाया था, लेकिन उस रूम को देखने के बाद ना कुछ अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे सीलन सी लग रही थी, तो वो सीलन की थोड़ी सी स्मेल नहीं होती है वो मुझे आ रही थी, तो मेरा दिल नहीं मान रहा था उसको लेने के लिए। फिर मैंने रिसेप्शन पर जाकर बोला कि कोई और रूम हो तो वो चेक कराइए, तो उन्होंने ये वाला रूम दिखाया और ये रूम ना देखते ही पसंद आ गया हम लोगों को, क्योंकि कहते हैं याना और कशिश को भी ये रूम काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि उस रूम में हमें दो बेड मिल रहे थे जिसमें हम लोग आराम से मतलब सो पाते, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा बेडिंग का हो जाएगा, प्लस यहाँ पर सोफ़ा कम बेड भी है तो उस पर भी आप सो सकते हो। तो और प्लस ये ना ये वाला जो रूम वाला एरिया है ना ये न्यू कंस्ट्रक्शन है और क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पर है तो ये अभी रिसेंटली बनाया है, तो इसमें कोई भी इस टाइप की स्मेल नहीं लग रही है मेरे को, वहाँ पर लग रही थी थोड़ी सी क्योंकि देखो ये बारिश का टाइम है और प्लस क्या है कि ये बहुत पुराना रिजॉर्ट है, टाइगर कैंप रिजॉर्ट काफ़ी पुराना है, थोड़ा सा जो यहाँ का कंस्ट्रक्शन है ना थोड़ा सा ओल्ड है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये इनका नया डेवलप है तो मुझे अच्छा लगा और प्लस यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है।
कशिश सारा सामान आ गया कशिश हो गई तुम्हारी एक्सरसाइज आज की अभी तो तुम लोग खुशी खुशी में चढ़ोगे तैयार होके एसी तुम अपना वो लेकर आई उस रूम से ठीक है सारा सामान आ गया कशिश ओके